अब बात करते हैं छात्र संगठनों द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी के विरुद्ध मोर्चा खोले जाने की। कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का बहिष्कार करने वाली छात्रा सोनी सेनगुप्ता के मामले को लेकर छात्र संगठनों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। छात्र संगठनों ने छात्रा को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए कुलपति को इसके गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। बताते चले कि कोऑपरेटिव कॉलेज की छात्रा सोनी सेन गुप्ता ने कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का बहिष्कार कर दिया था। छात्र संगठनों का आरोप है कि इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है। इसका विरोध करते हुए अब विभिन्न छात्र संगठन एक मंच पर आ गए हैं। इन छात्र संगठनों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि छात्र हित में आंदोलन करने वाले किसी भी छात्र या छात्रा को अगर विश्वविद्यालय द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उसके खिलाफ वे जोरदार आंदोलन करेंगे। छात्र आजसू के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक, झारखंड छात्र मोर्चा के कोल्हान सचिव पप्पू यादव एवं पूर्व छात्र नेता पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोल्हान आंदोलन की धरती है। जब अंग्रेजों को यहां से भगाने में यहां के लोगों को देर नहीं लगी तो दूसरे राज्यों से आकर कुर्सी पर बैठे कुलपति को यहां से विदा करने में उन्हें क्या समय लगेगा। विद्यालय के द्वारा सोनी सेन गुप्ता को जो मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, जिस तरह दीक्षांत समारोह में उन्होंने खुल के अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, परंतु विश्वविद्यालय के द्वारा और कॉलेज प्रबंधक के द्वारा जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की रणनीति तैयार की जा रही है, इसका हम लोग सभी सर्वदलीय छात्र संगठन मिलकर कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और विश्वविद्यालय को साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय छात्र के हित के और कल्याण के हिसाब से चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि ये आपके मन मौजी और कुछ दलाल प्रकार के नेतागणों के आदेशानुसार विद्यालय चलेगा तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर किसी भी छात्र के भविष्य के साथ में विश्वविद्यालय अगर खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है तो यह जान ले, यह कोल्हान की धरती है, यह आंदोलन की धरती है और आंदोलन की उपज ही ये झारखंड राज्य है और आपको दूसरे राज्य से यहाँ पर आके अपना मन मौजी करने हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी छात्र की आवाज़ को आप दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र में आंदोलन करने के अधिकार को आप तोड़ना चाहते हैं, तो यह मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप किसी भी छात्र नेता को दबाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी छात्र संगठन मिलके आपको इस प्रकार से दबाएंगे कि आपको चलेगा यह पता कि ये संपूर्ण सकल विश्वविद्यालय नहीं है, ये कुछ अन्य राज्य नहीं है, ये झारखंड राज्य है और हर छात्र का अपना एक अधिकार है कि किसी भी मंच से अपनी बातों को रखने का उनको संविधान ने अधिकार दिया है। परंतु आप किसी लोभ के कारण या मानसिक अवसाद से ग्रसित होने के कारण या आप बदला लेने के उद्देश्य से किसी छात्र नेता या नेत्री को आप परेशान करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी यह परेशानी झेलना पड़ेगा और इस झारखंड के तमाम छात्र संगठन आपका विरोध करने के लिए तैयार है। एक भी छात्र के भविष्य अगर खिलवाड़ होता है तो यह कोल्हान विश्वविद्यालय आने वाले समय में गंगाधर पांडे जी आप जोरदार आंदोलन देखने को तैयार रहे और शायद ये आंदोलन आपके लिए आखिरी हो, शायद आप कुर्सी में बैठने के लायक ना बचे, आपको पुनः अपना बूढ़ा बिस्तर बांध के वापस अपने राज्य को जाने को मजबूर हम लोग कर देंगे। मैं अन्याय हुआ तो आज ये प्रेस वार्ता कोऑपरेटिव कॉलेज की एक छात्रा है सोनी सेन गुप्ता, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा और कॉलेज प्रशासन के द्वारा नोटिस कर किया जा रहा है बार बार कि आपने दीक्षांत समारोह का विरोध क्यों किया। सोनी सेन गुप्ता ने दीक्षांत समारोह का विरोध नहीं किया, सोनी सेन गुप्ता ने दीक्षांत समारोह में दिए जा रहे सर्टिफिकेट का जो सभी छात्रों को देना चाहिए था वहाँ बुलाकर, जो नहीं बुलाकर दिया गया, छात्रों के हित पे बात करते हुए उसने उसका विरोध किया। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है और गोल्ड मेडलिस्ट ने इसका विरोध क्यों किया ये बात बीसी को पूछना चाहिए। बीसी ये बात नहीं पूछकर उस छात्रा पर पत्राचार करके माफ़ी मांगने का दबाव बना रही है, कार्रवाई करने का दबाव बना रही है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बीसी को बता देना चाहता हूँ कि बीसी महोदय, अगर आप किसी भी छात्रा के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का सोचेंगे भी तो आपको इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मेरा कहना यह है कि आप प्रताचार स्टूडेंट के खिलाफ कर रहे हैं। सितंबर माह से मैंने प्रचार्य के खिलाफ, मुद्दे चंद्र के खिलाफ आवेदन पर आवेदन किया, आपने उसका एक भी पत्राचार, एक भी
उनको लेटर लिख के सवाल नहीं किया कि आपने अपने निजी खाते में पैसा क्यों मंगाया, जबकि यह कानूनन अपराध है अपने निजी खाते में पैसा मंगाने का। पत्राचार करने के बाद भी उन्होंने उसका जवाब नहीं मांगा, लेकिन सोनी सेन गुप्ता एक गोल्ड मेडलिस्ट जो छात्रों के हित की बात करती है उसका ऊपर अपने पत्राचार करके इससे साफ पता चलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बैठे हैं, आप इस विद्यालय में नहीं बैठे हैं, आप अपना चेयर को पूंजीपतियों के हाथों बेच चुके हैं, नेता के हाथों बेच चुके हैं। सोनी सेन गुप्ता झारखंड की बेटी है, यहाँ के बेटी है, आप बाहर से आकर यहाँ के बेटी पे यहाँ के बेटाओं पर अगर अत्याचार करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा आपको। और अब जमशेदपुर की धरती पर आने के लिए अब भूल जाएं, आप विश्वविद्यालय के डीसी भी नहीं रहेंगे, ये हम आपका आश्वस्त करा देना चाहते हैं। किसी भी हाल पर सोनी सेन गुप्ता का कार्रवाई होता है या किसी भी छात्र पर कार्रवाई होता है, इसका दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय भुगतेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सोनी सेन गुप्ता को लेकर कर रहे हैं, कॉपरेटिव कॉलेज की छात्रा रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। 8 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का उन्होंने विरोध किया था और अपना मेडल वापस कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, यहाँ तक कि उनके गार्जियन को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार उस लड़की को लिखित रूप से देने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप गार्जियन को लेकर आएँ। हम सभी छात्र संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग छात्र प्रतिनिधि, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सभी एक स्वर में विश्वविद्यालय के इस कृत्य का निंदा करते हैं और हम लोग सभी सोनी सेन गुप्ता के साथ हैं। दूसरा, अगर उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये इतिहास देखेगा कि छात्र नेता क्या कर सकते हैं और छात्र संघ क्या कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग दीक्षांत समारोह में जो बच्चों का फीस वापस नहीं हुआ है उसको भी वापस करने की मांग करते हैं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और सोनी सेन गुप्ता के साथ हम लोग खड़े हैं हर स्तर पर, हर परिस्थिति में। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।